Good morning, children. So now, yesterday in our last class, we studied about who all are neighbors, who all are neighborhood, why neighborhood is important, and what are different kinds of places in our neighbors, right? So today we will going to continue with our postman. Okay, the post office, which is in our neighborhood, and how does it work? So in last class we studied that we write letter, हम लोग letter लिखते हैं और वो letter हम लोग post office में डाल देते हैं, sorry post box में डाल देते हैं, right? अब post box में डालने के बाद में क्या होता है, postman collects the letters from the letter box, ठीक है, postman आता है letter box में से letters को collect करता है, take them to the post office लेके जाता है. And letters are sorted and sent to various places from the post office, right? अलग अलग address के according अलग अलग letters का bundle बनता है और उन bundles को फिर अलग अलग post office से places में भेज दिया जाता है. ये मैम ने आपको live class में भी explain किया था. So there is a post office in most neighborhoods. Almost सब neighborhoods में कुछ एक ना एक post office ज़रूर होता है. नेबरहुड मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको छत से दिख रहा है या आपके घर के जस्ट बगल में वॉल के पास में ही हो. नो, राइट, पोस्ट ऑफिस थोड़ा सा डिस्टेंस लाइक ए 1 या 2-3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में भी होता है. सो वी गो टू द पोस्ट ऑफिस टू बाय स्टैम्प्स एंड एनवेलप्स. वी कैन ऑल्सो सेंड मनी थ्रू अ सिस्टम कॉल्ड मनी ऑर्डर. हम लोग मनी ऑर्डर की हेल्प से हमारे जो रिलेटिव्स हैं या बाहर जो कोई रहता है जिसको पैसों की नीड है, हम उनको पैसे भी भेज सकते हैं. इज देयर अ लेटर बॉक्स नियर योर हाउस? क्या आपके घर के पास पास में कहीं पे लेटर बॉक्स है? हैव यू एवर रिटन अ लेटर एंड पोस्ट कार्ड इट इन पोस्टेड इट इन द लेटर बॉक्स? कभी लिखा लेटर, लिखा लेटर लिख के पोस्ट बॉक्स में डाला है कभी? ओके, नाउ अब मुझे आप लोग ये बताएंगे कि व्हाई डू वी राइट एड्रेस ऑन द लेटर. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इट विल गोइंग टू कम इन योर एग्जाम, सो इसको लर्न करना है. ओके, इसका आंसर मैम आपको नोटबुक में देगी. नाउ मार्केट प्लेस. अब मार्केट प्लेस तो सबसे इंटरेस्टिंग जगह होती है सबके लिए. क्यों? क्योंकि वहाँ पे न्यू थिंग्स मिलती हैं. वी कैन गो एंड बाय न्यू थिंग्स. So marketplace, there is a marketplace in every neighborhood, right? सबके आस पड़ोस में कोई ना कोई छोटा सा मार्केट ज़रूर होता है. It may be small, छोटा सा हो सकता है, जैसे 2-3 shops का हो सकता है. In some neighborhoods, there are big markets with many shops. अब जो लोग सिटी साइड में रहते हैं, जैसे कि जिनका घर घंटाघर साइड में है या सिटी की साइड में है, जहाँ खूब बड़ा बड़ा मार्केट है, जो सरदारपुरा में रहते हैं उनके घर के आसपास खूब बड़े बड़े मार्केट्स हैं जहाँ बहुत सारे शॉप्स हैं. और कुछ हैं जिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर के पास में सिर्फ 2 या 3 शॉप्स होती हैं या 5-6 शॉप्स होती हैं या एक छोटा सा शॉपिंग मॉल होता है, राइट? तो मार्केट की प्लेस जो साइज है दैट कैन बी बिग और स्मॉल बोथ. देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ शॉप्स इन मार्केट प्लेस. देर इज अ ग्रॉसरी शॉप. ग्रॉसरी मतलब क्या होता है मैम नहीं बताएगी. चलो, शॉप वेयर वी कैन बाय ब्रेड, एग्स, राइस, व्हीट एंड अदर थिंग्स दैट वी नीड डेली. दैट मीन्स जो हमारा बेकरी का सामान होता है, जैसे हमें बिस्किट्स लेने हैं या कोई और चीज़ लेनी है, तो वो हमें कहाँ मिलती है? ग्रॉसरी शॉप में, राइट? जैसे कि हमारे घर के आसपास में नहीं होता है, 15AD होता है, किसी के घर के पास में किसी और तरीके का बेकरी होता है, तो हम लोग इससे क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पर जाके बेकरी के स्टफ्स खरीदते हैं. द वेजिटेबल सेलर और द ग्रीन ग्रॉसर सेल्स वेजिटेबल्स. सो हु सेल्स वेजिटेबल्स? अ ग्रीन ग्रॉसर. वेजिटेबल्स ग्रीन कलर की होती है, तो उससे आप याद रखना कि अ ग्रीन ग्रॉसर सेल्स द वेजिटेबल्स. देर आर शॉप्स सेलिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स. यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन. बुक्स
एंड पेंसिल्स एंड टॉयज. स्टेशनरी शॉप होती है सबके घरों के पास में, राइट. वहाँ से हम क्या खरीदते हैं, हम वहाँ पे जाके बुक्स, पेंसिल्स, इरेजर्स, पेन एक्सेट्रा, काफ़ी सारी पढ़ाई का जो भी सामान होता है हम स्टेशनरी से खरीदते हैं. टॉयज के स्टोर पे जाके हम टॉयज लेते हैं. एंड देन यूटेंसिल्स के शॉप, मतलब जो बर्तन के शॉप्स होते हैं वहाँ पे हम जाके क्या लेते हैं, बर्तन खरीदते हैं. कप्स हो गए, बोल्स हो गए, प्लेट्स हो गई, ऑल दीज थिंग्स. वी गो टू द केमिस्ट टू बाय मेडिसिन. सो मेडिसिन हमें कौन देता है, केमिस्ट. नाउ वी विल लर्न अबाउट नेबरहुड पार्क. नेबरहुड पार्क भी सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें शाम को जाके खेलने को मिलता है. सो नेबरहुड पार्क, देर इज अ पार्क इन एवरी नेबरहुड. ओके, अगर आपके घर के पास में भी पार्क है तो अभी आपको क्या करना है, अभी शाम के टाइम पे रेगुलरली आपको आपके फ्रेंड्स के साथ में मास्क लगा के एक सैनिटाइजर की बोतल साथ में लेके जानी है और वहाँ पे खेलना है, राइट. वापस घर में आने के पहले यू विल सैनिटाइज योर हैंड्स, यू विल डिस्पोज ऑफ योर मास्क एंड यू विल कम एंड वॉश योर हैंड्स और टेक अ बाथ, राइट. क्योंकि अगर आप पूरे दिन घर में बैठ के सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे, फ़ोन पे गेम्स खेलोगे, तो आपकी आईज पे इफेक्ट पड़ेगा. यू नीड टू बी एक्टिव फिजिकली ऑल्सो, राइट. सो देर इज़ अ पार्क इन एवरी नेबरहुड. सबके घर के पास में पार्क होता है. चिल्ड्रेन प्ले मैनी गेम्स इन द पार्क वाइल एल्डर्स गो फॉर वॉक एंड एक्सरसाइज, राइट. जहाँ पे ऐसा होता है ना कि मम्मी पापा वॉकिंग कर रहे हैं और हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, राइट. इस तरीके से होता है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है. दैट इज़ वेरी गुड. और ये सब हम कहाँ करते हैं, हम नेबरहुड पार्क में करते हैं. सम पीपल गो टू द पार्क टू गेट फ्रेश एयर. ऑब्वियसली जब आप अर्ली मॉर्निंग जाओगे पार्क में तो आपको बहुत अच्छी फ्रेश एयर मिलती है, राइट. इवनिंग में जाते हैं तब ये अच्छी सी फ्रेश एयर मिलती है. इन विंटर्स पीपल माइट हैव स्मॉल पिकनिक्स इन द नेबरहुड पार्क. जब विंटर्स होते हैं तो हल्की हल्की जब धूप होती है, जब हमको धूप बहुत अच्छी लगती है, तो वी कैन गो एंड हैव पिकनिक ऑल्सो इन दैट, राइट. सो दिस इज दीज ऑल आर योर इम्पॉर्टेंट प्लेसेज इन द नेबरहुड, जो हमारे घर के आसपास में मोस्टली ऑलमोस्ट सबके घर के आसपास में ये शॉप्स होती हैं. ओके, सो नाउ यू विल आफ्टर स्टार्टिंग अबाउट द नेबरहुड प्लेसेज दैट मेक आर वर्क ईजी, जहाँ पे हमें जाने पर बहुत ईजीली सारी चीज़ें मिल जाती हैं. वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट द इम्पॉर्टेंट पीपल इन द नेबरहुड. इम्पॉर्टेंट पीपल इन द नेबरहुड मतलब इम्पॉर्टेंट पीपल मतलब वो लोग जिनके बिना हम काम नहीं कर सकते. ओके, जिन लोगों के बिना हमारी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है. तो हमारे आसपास किन लोगों का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. वी नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम मैनी पीपल अराउंड अस टू लीड अ कम्फर्टेबल लाइफ. हमारे आसपास काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी हमें हेल्प लेने की नीड होती है, राइट. जिनकी वजह से हम बहुत कम्फर्टेबली अपना लाइफ स्पेंड करते हैं. मोस्ट ऑफ दीज पीपल लिव इन अ नेबरहुड. ये ज़्यादा से ज़्यादा ये सारे लोग हमें हमारे घर के आसपास ऑलमोस्ट मिल जाते हैं. लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम. सी फ्रॉम द पिक्चर वॉट यू कैन सी. In this picture, a boy, a man is repairing the tap. Okay, so who is he? He is a plumber. The plumber repairs leaking taps and broken pipes. जब हमारे घर में कोई ऐसा टैप होता है या पाइप होता है जिसमें से पानी लीक हो जाता है या वो खराब हो जाता है, तो कौन ठीक करने आता है उसको? प्लम्बर. Now second, what you can see here from this picture, what can you make out? There is a person sitting and repairing your shoes. So the cobbler, kaun hota hai ye? Cobbler. The cobbler mends our shoes. ठीक है, हमारे shoes अगर खराब हो जाते हैं या टूट जाते हैं या कुछ उसमें problem हो जाती है, तो हम किसके पास ठीक कराने के लिए जाते हैं? Cobbler के पास. Now ये तो बहुत easy है. What is this person doing? This person is giving letters. So, who is this person? This is a postman. The postman delivers letters. हमने अभी पढ़ा था, letter लिखते हैं, letter box में डालते हैं, तो उनको वहां से कौन निकालता है? Postman. घर में लाकर letter कौन देता है? Postman. Now see, what is he doing?
ही इज रिपेयरिंग अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक थिंग, राइट, मशीन जैसा कुछ. सो द इलेक्ट्रीशियन, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्स लाइट, फैन एंड फॉल्टी इलेक्ट्रिक वायर्स. जैसे कि जो घर में हमारे लाइट की प्रॉब्लम्स जाती हैं कभी कभार, जिसमें जैसे कि अगर कोई ट्यूबलाइट खराब हो गया है या कोई वायर खराब हो गया है, तो हम किसको बुलाते हैं, इलेक्ट्रीशियन को. सो यू नीड टू लर्न द नेम्स ऑफ द पीपल एंड व्हाट वर्क दे डू. ओके, डोंट फॉरगेट टू लर्न दिस. नाउ द स्वीपर कीप्स द स्ट्रीट क्लीन. You, from the picture you can see that the man is cleaning, is sweeping the road. So the sweeper keeps the streets clean. Now see here, what is he doing? He is collecting the garbage. The garbage collector collects garbage from our homes. Okay, हमारे यहाँ पे रोज एक तरीके का ऑटो आता है टू कलेक्ट द गार्बेज. तो वो क्या है, वो गार्बेज कलेक्टर है. Now, what is he doing? He is stitching clothes. तो ये कौन है? He is a tailor. The tailor stitches our clothes. Now, see what this man is doing? This man is guarding the house. So, the security guard guards our houses. They help the police in keeping the neighborhood safe. हम लोग इजीली सो जाते हैं. क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारे जो गार्ड अंकल है बाहर, सिक्योरिटी हमारे घर को प्रॉपरली सिक्योर करके बैठे. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पीपल इन आवर नेबरहुड. नाउ कम ऑन टू द लैंडमार्क्स. व्हाट आर लैंडमार्क्स? लैंडमार्क्स आर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस और बिल्डिंग्स इन द एरिया दैट मोस्ट पीपल नो अबाउट. ठीक है, लैंडमार्क का मतलब होता है कि ऐसी कोई जगह आपके घर के आसपास जो बहुत फेमस हो और जिसको लोग बहुत अच्छे से जानते हो, राइट. We mention a landmark when we give someone the direction to reach a particular place. So, landmark क्या होता है? जैसे कि अगर हमारे घर पे किसी को आना है लेकिन उन्हें एड्रेस नहीं पता, तो हम क्या बताते हैं उनको? कोई हमारे घर के आसपास की कोई ऐसी इंपॉर्टेंट जगह दिखाते हैं या बताते हैं जो उनको पहले से पता होती है. सपोज जैसे कि जो लोग सरदारपुरा में रहते हैं, ठीक है, उनको वो लोग कैसे बताते होंगे कि जो सरदारपुरा में जो फ्रेश एंड ग्रीन है उसके पास में मेरा घर है, राइट. जैसे कि अगर किसी का स्कूल, किसी स्कूल के पास में घर है, तो वो क्या बताएगा कि दास शांति निकेतन के पास में जो मेरा जो गली है उसमें मेरा घर है. तो इस तरीके से होता है कि लैंडमार्क का मतलब होता है ऐसी जगह या ऐसी कोई बिल्डिंग जिसके बारे में सब लोगों को पता हो. ओके, जैसे कि एक घंटाघर है जो हमारा क्लॉक टावर है. ओके, सो हमें अगर कहीं पे जाना है जो हमारा फ्रेंड सिटी में रहता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि आपने जो घंटाघर देखा है, ठीक है, जो क्लॉक टावर है, उस क्लॉक टावर के जस्ट सामने मेरा घर है. तो ये जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस होती हैं, उन इम्पॉर्टेंट प्लेसेस को ऑलमोस्ट सब जानते हैं. आज अगर मैम को आपके घर आना है, तो मैम को नहीं पता कि आप कहाँ रहते हो, राइट. मैम को नहीं पता कि आप कहाँ रहते हो, लेकिन आप मैम को ये बता दो कि मैम आपको पता है चिल्ड्रंस पार्क कहाँ है सरदारपुरा में, बस उसके जस्ट सामने मेरा घर है ना. तो वहाँ चिल्ड्रंस पार्क जैसे 15 AD है, ठीक है, 15 AD बेकरी तो सबको पता है, कितनी फेवरेट है हम लोगों की, तो वो तो सबको पता है. वहां तक तो मैम आ जाती है, राइट. मैम आने के बाद वहां से आपको फोन कर देगी कि ठीक है मेरे को अब यहाँ पे बताओ, मैं यहाँ पे तो आ चुकी, अब मुझे इसके आगे कहाँ आना है. तो इस तरीके से हम क्या किसी को एड्रेस बताते हैं, तब हम उन्हें घर का लैंडमार्क बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी से दैट द स्कूल इज लोकेटेड नियर अनमोल हॉस्पिटल. तो अब जो स्कूल है वो अनमोल हॉस्पिटल के पास लोकेटेड है. द अनमोल हॉस्पिटल इज अ लैंडमार्क. अनमोल हॉस्पिटल क्या हुआ यहाँ पे, लैंडमार्क. ओके, नाउ वी विल कम हियर. Taking care of the neighborhood. All of us should keep the neighborhood clean and green. Obviously, हम हमारे घर को जिस तरीके से साफ रखते हैं, उसी तरीके से हमें हमारा neighborhood भी clean रखना चाहिए. We should throw empty food packets in the dustbin. जो food packets होते हैं, जैसे अगर हमने कुछ खाया है, उसका food packet है, कुछ भी है, वो हमें कहाँ, ऐसे ही road पे नहीं फेंक देना चाहिए, dustbin में डालना चाहिए. We should not pluck flowers or leaves from the trees. Obviously, आपका हाउस कैसे डेकोरेटेड रहता है, फ्लावर्स, हम उसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाते हैं, रियल फ्लावर्स लगाते हैं. उसी तरीके से क्या होता है कि हम लोग, जैसे हमारा नेबरहुड है,
तो उस नेबरहुड में अगर आपका नेबरहुड कैसे अच्छा लगेगा, जब आप उसको उसमें फ्लावर्स वगैरह लगाओगे, राइट। तो हमारे यहाँ पे जैसे अगर कोई अच्छा सा फ्लावर रोज का प्लांट लगा हुआ है नेबरहुड में, तो उसमें से हमें रोजेस नहीं निकालने चाहिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 9। नाउ टुमारो वी विल गोइंग टू इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल गोइंग टू डू नोटबुक वर्क एज वेल एज द बुक एक्सरसाइजेस। सो बाय देन यू कैन read the chapter, you can mark any doubts if you have, and you can try solving, you can try, ठीक है, help नहीं लेनी है, आपको खुद को try करना है ये solve करने की।